हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी क्लास 10 साइंस पार्ट 1 क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन 2019। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो ऑब्जेक्टिव्स का होता है। सो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राइट द प्रॉपर आंसर इन द बॉक्स। दो डायग्राम दिए हैं, तो ये डायग्राम आपको चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन में मिलेगा। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है, इफ एफ इजिकल टू जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर देन एफ इजिकल टू व्हाट। ओके, सो यहाँ पर 3d जी एम वन एम टू अपॉन 9d स्क्वायर। ओके, तो इसका आंसर रहेगा 9d स्क्वायर। और वो कैसे आया, यहाँ पर मैंने कंप्लीटली सॉल्व करके बताया है। एफ इजिकल टू जी एम वन एम टू अपॉन 3d स्क्वायर इज इक्वल टू, आंसर वुड बी जी एम वन एम टू अपॉन 9d स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। ओके, तो आपका ये प्रॉपर आंसर रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन, इंडोबेरिनस ट्राइड लिथियम सोडियम पोटेशियम, द एटॉमिक मासेस ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम आर 6.9 एंड 39.1 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। ओके, सोडियम इज मिडल एलिमेंट। डोबेरिनस ट्राइड में हमने देखा है कि मिडल एलिमेंट्स का एटॉमिक मासेस निकालने के लिए फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स का एवरेज आपको निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पर प्रॉपर आंसर है 6.9 प्लस 39.1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 23। सो आपका आंसर रहेगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कॉनकेव लेंस इज अ कॉन्वर्जिंग लेंस, स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। आंसर रीजन के साथ मैंने यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय कंसीडरिंग फर्स्ट कोरिलेशन कंप्लीट द सेकंड कोरिलेशन। सो यहाँ पर फर्स्ट कोरिलेशन देखिए क्या है, हबल टेलीस्कोप 569 किलोमीटर हाई फ्रॉम अर्थ सरफेस। नाउ रिवॉल्विंग ऑर्बिट ऑफ हबल टेलीस्कोप एंड आंसर इज लो अर्थ ऑर्बिट। रीजन के साथ मैंने ये आंसर भी आपको दिया है, वंस यू रीड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट और इसमें टिनिंग एनोडाइजिंग अलॉइंग एंड फ्रोथ फ्लोटेशन एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रोथ फ्लोटेशन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। एमसीक्यूज के 5 क्वेश्चन यहां पर है। द रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज डैश रिएक्शन। ओके, सो आयरन नेल इज अ एलिमेंट, कॉपर सल्फेट इज अ कंपाउंड। ओके, सो दोनों का जब केमिकल रिएक्शन होता है सो इट वुड बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज एक एलिमेंट है और दूसरा कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। सो यहाँ पर डायग्राम आपको दिया है। सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए इज लेस देन इन बी। ओके, तो डिफरेंस इसका है, यहाँ पर रेजिस्टेंस का जो अरेंजमेंट है वो सीरीज में है और यहाँ पर पैरेलल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रे ऑफ लाइट makes an angle of 50 degree with the surface S1 of the glass slab. Its angle of incidence will be, correct answer is 40 degree. And wo 40 degree kaise aaya? Properly I have solved here, once you go through this. Next question, water expands on reducing its temperature below 4 degree Celsius. Okay, and the reason is also given here. And the last question of this MCQ is, the carbon compound used in daily life is edible oil. Okay, so daily life में हम edible oil में carbon compound use करते हैं। तो ये हो गया आपका question number 1 जो objectives का question था। Now we have to see question number 2. Question number 2 का first question है, 2 tungsten bulbs of power 50 watt and 60 watt work on 220 voltage potential difference. If they are connected in parallel, how much current will flow in the main conductor? Okay, so students, यहाँ पर मैंने ये सब पूरा solve करके दिया है। अगर solve करते समय आपको कुछ भी queries आते हैं तो you can ask me in comment box. Second question, give scientific reason. In the electric equipment producing heat, example iron, electric heater, boiler, toaster, etc. An alloy such as nichrome is used, not pure metal. Okay, तो यहाँ पर प्योर मेटल क्यों नहीं यूज किया जाता है, इसका आंसर भी यहाँ पर एक बार आप रीड करो। कुछ भी डाउट आपके रहेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, मेटल बॉल ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 490 मीटर,
हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड. ओके, और यहाँ पर जी की वैल्यू आपको लेनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका आंसर है 10 सेकेंड्स. और वो 10 सेकेंड्स कैसे आए प्रॉपरली, यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट नेम्स ऑफ फर्स्ट फोर होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल. सो ये कार्बन कंपाउंड में आपने देखा है होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल की जो होमोलोगस सीरीज है दैट इज मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल. सो इन दिस बॉक्सेस यू हैव टू फिल दिस होमोलोगस सीरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड कंप्लीट द टेबल. ओके, तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन आपको दिया है, पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजिशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज. ओके, सो यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम देयर इज अ कॉन्वेक्स लेंस. ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर दिया है. सो यहाँ पर आपको आंसर मैंने लिख के दिया है, फर्स्ट का आंसर है बिटवीन एफ वन एंड ओरिजिन. ओके, पोजिशन ऑफ द इमेज, इमेज का जो पोजिशन है वो है on the same side of the lens as the object, and third size of the image is very large, and nature hai uska virtual and erect. Okay, so according to the diagram we have completed this table. Next question dekhenge iska, question number 6, out of sodium and sulfur which is a metal, explain its reaction with the oxygen. Okay, sodium is a metal. Okay, we have लर्न चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 की सोडियम क्या है, मेटल. इट कम्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. सो यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है और वो पैराग्राफ आपको केयरफुली रीड करना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डिस्क्रिप्शन इज ऑफ विच ग्रेविटेशन सेपरेशन मेथड. ओके, दिया गया जो डिस्क्रिप्शन है वो कौन से ग्रेविटेशन सेपरेशन मेथड का पार्ट है. सो यहाँ पर नीचे देखिए हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, ये डायग्राम भी हमने देखी है चैप्टर नंबर 8 मेटलर्जी में. ओके, तो ये डायग्राम है हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड की, और सेकेंड क्वेश्चन है उसमें ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ दिस मेथड. ओके, तो ये है प्रॉपर डायग्राम. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इस डायग्राम का प्रैक्टिस करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए थे और 7 में से 5 क्वेश्चन स्टूडेंट्स how to attempt. First question tha, what would be the value of g on the surface of the earth if its mass was twice and its radius half of what it is now. Okay, to yahan par jo question pucha gaya hai, according to this question I have solved this sum. Okay, and the final answer is 78.4 meter per second square. इसे में क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, राइट, मेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल सेकेंड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमने देखा है कि मेंडेलियस के पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस क्या क्या थे. सब एडवांटेजेस मैंने यहाँ पर लिखे, वंस यू गो थ्रू दिस, एंड इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन एंड आंसर द questions given below. Okay, तो यहाँ पर एक छोटा सा chemical reaction आपको दिया है, silver nitrate react with sodium chloride. Okay, so it will form silver chloride and sodium nitrate. Okay, तो अभी देखते हैं question क्या पूछे गए हैं. Identify the right the type of chemical reaction. Okay, so सबसे पहले आपको identify करना है कि दिया गया chemical reaction कौन से type का है. So my dear students, in my previous video I have told you when on left side there will be two compounds given, then that would be double displacement reaction. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे दो compounds आपको दिख रहे हैं, एक silver nitrate और दूसरा sodium chloride. Okay? तो जब left side में दोनों compounds होते हैं तो वो double displacement reaction होता है, तो आपका answer है double displacement chemical reaction. Second question, राइट द डेफिनेशन ऑफ द अबाउट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो इसका डबल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन आपको लिखना है. एंड थर्ड क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द अबाउट रिएक्शन. ओके, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, दीज आर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड देयर नेम्स. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ. ओके, तो यहाँ पर आपको ग्राफ दिया गया है,
इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली आपको आपका आंसर एक्सप्लेन करना है और आंसर मैंने यहां पर दिया है, एक बार आप इसको प्रॉपरली रीड करो। क्वेश्चन नंबर फाइव में भी Surabhi from class 10 uses spectacles. The power of the lenses is a spectacles is 0.5D diopter. Answer the following question from the given information. Okay, तो यहाँ पर देखिए छोटा सा information आपको दिया है और इस उन information के accordingly आपको इस question के answer लिखने हैं. Identify the type of lenses used in her spectacles. Answer है convex lens. Because यहाँ पर ये पॉजिटिव में आए 0.5, इट इज इन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जो पावर होता है वो कॉन्वेक्स लेंसेस में होता है. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन Surabhi इज सफरिंग फ्रॉम. ओके, Surabhi सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया. ओके, जिसको हाइपरमेट्रोपिया डिजीज होता है आईज का, तो उसको कॉन्वेक्स लेंसेज के स्पेक्टेकल्स बिठाए जाते. नेक्स्ट इज फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज यूज्ड इन हर स्पेक्टेकल्स. ओके, तो यहाँ पर फोकल लेंथ आपको फाइंड आउट करना है और इसका फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पर दिया और ये सॉल्व करके कंप्लीटली मैंने बताया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. ओके, तो यहाँ पर देखो कार्बन कंपाउंड से ये टेबल लिया गया है, कुछ बॉक्सेस ब्लैंक है यहाँ पर और जो बॉक्सेस ब्लैंक है उसको आपको फिल करना है. ओके, सो आंसर आई हैव गिवन हियर. एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH. देन मिथिल अल्कोहल के आगे और एक बॉक्स ब्लैंक है, दैट इज CH3OH, दैट इज मिथेनॉल. ओके, सो यहाँ पर इथीन डबल बॉन्ड जब आपको दिखता है दैट वुड बी इथीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ट बाय स्पेस डेब्रिज एंड व्हाई इज देयर इज नीड टू मैनेज द डेब्रिज. ओके, तो स्पेस डेब्रिज क्या है उसका डेफिनेशन आपको लिखना है और उसको मैनेज करने की क्यों जरूरत है, ये भी मैंने आंसर आपको यहाँ पर प्रॉपरली दिया है. चैप्टर नंबर 10 स्पेस मिशन में ये आपको आंसर मिल जाएगा और आंसर मैंने भी यहाँ पर दिया है वंस यू गो थ्रू दिस. नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो में से आपको एक सॉल्व करना होता है, ईच क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स. Now taking into consideration the period of the element given below, answer the following question. तो यहाँ पर total 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मैंने यहाँ पर लिख कर दिया है. Once you read this answer, पांचों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया है. And second question इसी में पूछा गया था, ये diagram आपको draw करनी है as well as some questions has been asked here. And there are some information also given. You have to read this information, and according to the information, you have to solve the answer. Okay. Once you go through this, if any type of doubt, you can ask me comment box. I'll give you answer. Okay. Thank you so much, students.